नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कब रुकेगी रैंकिंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2009 में हिमाचल में धर्मशाला के राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग और प्रताड़ना का शिकार हुए छात्र अमन काचरू की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अदालत ने मेडिकल के 4 वरिष्ठ छात्रों को गैर दातन हत्या का दोषी ठहराया और चारों को 4 वर्ष की कैद की सजा और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। साथ ही रैगिंग के खिलाफ कड़े प्रावधान भी बनाए गए। लेकिन इस सब के बाद भी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के नाम पर गुंडागर्दी आज भी जारी है। ताजा मामला लखनऊ के केजीएमयू और इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का, जहां इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का खुलासा मीडिया रिपोर्ट से हुआ है। सीनियर छात्रों पर आरोप यह लगा कि उन्होंने रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों के बाल मुड़वाए, कॉलेज में सिर झुकाकर लाइन में प्रवेश करने का फरमान सुनाया और साथ ही छात्राओं से यह कहा गया कि वो बालों में तेल डालें और जूड़ा बनाकर या चोटी बनाकर कॉलेज में आए। डर के चलते कोई भी छात्र इनकी कोई शिकायत नहीं कर रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो डीएम ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश भी दिए गए। बाद में इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मुख्य सचिव और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। रैगिंग के इस मामले में अब कॉलेज प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लग रहा है। कैमरे के सामने ना तो कॉलेज प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार है और ना ही डरे सहमे हुए छात्र, लेकिन छात्रों के परिजन परेशान। रैगिंग के खिलाफ यूजीसी के कड़े नियम और एंटी रैगिंग कानून होने के बावजूद आखिर शिक्षण संस्थानों में ये जिंदा कैसे है रैगिंग का राक्षस? आज तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि रैगिंग के शिकार छात्रों को आखिर मुंह बंद रखने की कौन नसीहत दे रहा है? बड़ा सवाल कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर नजर रखने वाले रेजिडेंट आखिर कहां गुम है? रैगिंग के शिकार डरे सहमे छात्रों से जांच कमेटी ने आखिर खुले में क्यों पूछताछ की? क्या इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज ने यूजीसी के सख्त नियमों के निर्देशों की अनदेखी की है? शिक्षण संस्थान आखिर क्यों नहीं लगा पा रहे रैगिंग पर लगाम? और बड़ा सवाल कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के उलट सरकारी संस्थानों में रैगिंग के मामले ज्यादा क्यों सामने आ रहे हैं? और अहम सवाल जो आज बड़ा खड़ा होता है कि शिक्षण संस्थानों में आखिर खत्म कैसे होगा रैगिंग का रोक? बड़े तमाम सवालों पर आज अखाड़ा होगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा दें। हम एक्चुअली में जो भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और उसके जो अभिलेख प्रधानाचार्य कार्यालय में जो उपलब्ध हैं, अभी हम उनका अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम छात्र छात्राओं से बात करेंगे, उनके वार्डन से बात करेंगे और जो उनके मेस में जिसमें खाना वाना खाते थे उन सब में बात करेंगे और जिला प्रशासन के भी लोग हैं, तो उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसके अंदर कुछ है या मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये सूचना मिली कि छात्रों का बाल मुड़ा हुआ है और उनका एक बटन लाल कलर की है। जब कॉलेज के जो प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई रैगिंग का प्रकरण सामने नहीं आया है और कोई भी शिकायत उनको प्राप्त नहीं है, परंतु जो फोटोज़ देखने को मिली उसके बाद एसीएम को मौके पर भेजा गया तो एसीएम ने अपने जांच में ये कहा है, उन्होंने वहाँ के कॉलेज प्रशासन से वार्ता की, वहाँ के छात्रों से वार्ता की, किसी भी छात्र ने कोई चीज़ शिकायत नहीं की। कोई भी छात्र कुछ बोलने को तैयार नहीं है, छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये साफ हो रहा है कि रैगिंग के नाम पर किस तरीके से वहाँ के छात्रों को प्रताड़ित किया गया है, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके बाल मुड़वाए गए। आखिर कहाँ तक ये जायज है और इस तरीके की घटनाएं क्यों आए दिन सामने आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे बावजूद इसके, आखिर यूजीसी की रिपोर्ट पर भी, उसके निर्देश के बावजूद भी कॉलेज या प्रशासन ऐसे नियमों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सबका परिचय कराएंगे, उसके बाद बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनूप पटेल प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ शामिल हुए हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं। विनोद शुक्ला अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। वीके श्रीवास्तव जी अध्यक्ष अभिभावक संघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास डिबेट में। हरीश जी, मेरा एक अहम सवाल सर आपसे, आखिर यूजीसी के नियमों की भी अनदेखी और बड़ा सवाल ये कि 2 दिन बीत जाते हैं इस पूरी घटना को, लेकिन मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करता है,
छुपाने की कोशिश करता है, प्रशासन से भी पूरे मामले को छुपाया जाता है। आखिर क्या वजह है कि नियम कानून इतने कड़े होने के बावजूद भी आज भी मेडिकल कॉलेजों में या बाकी कॉलेजों में रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं? नहीं लक्ष्मी जी, ये जो घटना सामने आई तो सरकार ने तत्काल उस पर जांच नियुक्त की, जिसमें कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर, जो दो मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और साथ ही इलाहाबाद के एक एडीएम को उसका 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो उसको जाकर के एक एक छात्रों से मिलकर के कल तक रिपोर्ट देगी। और उसके अलावा जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई थी, तत्काल वहाँ के डीएम ने और वहाँ के जो भी प्रोफेसर्स हैं वो सब एक छात्रों से मिले थे। तो जो किसी तरह की असाल्ट की बात या किसी तरह की ये बात सिर्फ बाल छोटे कराने वाली, सिर मुड़ाने वाली बात नहीं, बल्कि बाल छोटे कराने वाली बात या जो एप्रन में लाल बटन वाली बात तो ज़रूर सामने आई, लेकिन जहाँ तक एप्रन की लाल बटन की बात है, वो ड्रेस कोड को पूरी तरह से वहाँ रिलैक्स कर दिया गया है। और दूसरी चीज, कमेटी जांच करके जो भी रिपोर्ट देगी, अगर कोई भी ऐसा दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ तत्कालिक कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से जैसा कि ये रैगिंग एक जो इतनी बड़ी समस्या थी कॉलेजों में, उसके खिलाफ सख्ती का ही नतीजा है कि आज आपको किसी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना सामने नहीं आई। ये इलाहाबाद की एक समस्या, हरीश श्रीवास्तव जी, इलाहाबाद में भी है, लखनऊ के केजीएम में भी देखने को मिला है कि वहां छात्रों को कहा गया है कि पूरी तरीके से आपका जो सर के बाल हैं वो तेल में डूबे होने चाहिए और चोटी बनाकर आइए, जूड़ा बनाकर आइए। ये कैसा फरमान है सर? किसी एक कॉलेज की बात नहीं है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लक्ष्मी जी, अगर नहीं, लक्ष्मी जी, केजीएमयू की बात हो या कहीं किसी भी मेडिकल कॉलेज की, रैगिंग जैसी किसी समस्या को सरकार पूरी तरह से किसी कॉलेज में, किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और सरकार पूरी शक्ति के साथ इस पे निगाह है और जो भी वहाँ के प्रशासन है उनको इस बात की ताकीद सरकार की तरफ से है कि अगर कहीं किस तरह की कोई सर, वही प्रशासन इस पूरे मामले को दबा रहा है। आपके पास लौटूंगी, खिलाफ कार्रवाई। अनूप पटेल, 2009 का वो मामला, आज भी जब छात्र एक नए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो उनके जहन में आता है 2009, जब हिमाचल में धर्मशाला के राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में, नाम बच्चे का था अमन काचरू, जिसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आपको याद होगा कि पूरा देश दहल गया था उसकी मौत से, रैगिंग के नाम पर उसकी क्या हालत की गई थी। आज भी हम वही मामले सामने आ रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि वाकई कड़े कानून बनने के बाद भी रोक न लगना किस ओर इशारा करता है? लक्ष्मी जी, दिस इज अ हीनियस क्राइम, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अमन कचरू के डेथ के बाद, दैट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, दैट वाज अ मर्डर, तो उसके बाद जो है ये एंटी रैगिंग जो नियम थे, यूजीसी की गाइडलाइन है, उसको सख्ती से पालन किया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, और इस पे इन रैगिंग के केसेस में बहुत सारी कमी भी आई थी। अब ये जो है रैगिंग का फन फिर से उठा रहा है, तो ये एक तो जो सोसाइटी के नाम्स हैं उस पे सवाल खड़ा होता है, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन्वायरमेंट का भी सवाल है। जैसे अब ये है कि बाल में तेल लगा के आओ तो, और अच्छे कपड़े पहनो, ये इस तरीके का जो पहरा है, ये पहरा एक खास विचारधारा की तरफ भी इंडिकेशन करता है कि रैगिंग का उस विचारधारा से कि अपने तन को ढक के रखो और डिसिप्लिन में रहो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो आइडियाज जो है फ्लोरिश होता है, फाउंटेन है, वो फब्बारा है, उसमें हर तरीके के जो आइडियाज जो है प्रवाहित होते हैं। तो अगर रैगिंग का फन फिर से उठा रहा है तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अवर स्टेट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मनोज यादव, कैसे देखें इन घटनाओं को? देखिए, कोई अगर कॉलेज का ही मामला हो तो उसमें कह दिया जाए कि हो सकता है किसी तरीके की कोई बात हो गई हो, लेकिन ये तो ओवरऑल पूरे समाज में, सोसाइटी में ये व्याप्त हो गया है, किसको अब किस तरह रहना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे चलना है और किसको क्या पहनना है, ये तो पूरा, अब रैगिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की हो रही है,
मैं प्रदेश की जनता के बारे में इस बात को बड़ी बेबाकी से इस बात को रख सकता हूं कि किस तरीके से एक विधायक को मंदिर में जाने के बाद उसको किस तरीके से आप पवित्र किया गया। मैं उसी पे उन छात्रों की बात कर रही हूं जब वो घर से निकलते हैं, तमाम उनके सपने होते हैं आंखों में, जब स्कूल छोड़कर कॉलेज में बच्चा जाता है, लेकिन वहां जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार होता है, वो नहीं लगता कि मानसिक प्रताड़ना उसको किस हालत में दी जाती है? देखिए, ये तो मौजूदा सरकार को समझना है कि आखिर उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, उनका सुरक्षा व्यवस्था तंत्र कैसा है कि आप बच्चों को उनके घर से लेके स्कूल तक की सुरक्षा के मुहैया करा पा रहे हैं नहीं करा पा रहे हैं, या फिर सारा समय कुछ और ही पॉलिसीज बनाने में चला जा रहा है। आप अगर पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देख लीजिए। मैं बच्चों पे बार बार इसलिए बहुत ज्यादा फोकस करने की लक्ष्मी जी कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बच्चों को तो भड़काया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो फिर तमाम सारे संगठन हो और चाहे स्कूल में हो। एक दिन रात विनोद शुक्ला जी, आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसी घटनाओं पर हम रोक कैसे लगा सकते हैं और क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही हैं रैगिंग की, इनके लिए जो सबसे ज्यादा दोषी हैं वो उन कॉलेजेस का प्रबंधन दोषी है, वहाँ के शिक्षक दोषी हैं जो भारी भरकम वेतन लेते हैं और पढ़ाने के नाम पे पढ़ाते भी नहीं है ठीक से, जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते। इन रैगिंग की घटनाओं में ना तो हम सरकार को दोष दे सकते हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी को दोष दे सकते हैं, और ना ही प्रशासन को, कि प्रशासन को क्या मालूम कि कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है। प्रशासन तो तब जागेगा जब कोई घटना होगी, वही इलाहाबाद में हुआ। सबसे पहले जब भी नया फ्रेश बैच आया तो कॉलेज प्रबंधन को करना ये चाहिए कि उनको अलग हॉस्टल में रखना चाहिए और नजर रखनी चाहिए कि कब वो कॉलेज जा रहे हैं, कहाँ वो सीनियर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, सीनियर स्टूडेंट उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। जो अमन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा सख्त दिशा निर्देश दिए हैं दो बार, एक बार दिया यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के केस में 2007 में, दूसरा दिया अमन काचरू वाले केस में 2009 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा, इवन किसको किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाएगी जो सिर्फ नाम की होती है। एंटी रैगिंग कमेटी के नाम पे कुछ नहीं होता है, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं होती। एंटी रैगिंग स्क्वाड होना चाहिए जो हॉस्टल्स में जाके मेस में जाके छापा मारे, देखे कि कौन स्टूडेंट्स को कौन क्या कह रहा है, काउंसलर्स होने चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ना तो हमारे प्रदेश में ना ही हमारी केंद्र सरकार ने आज तक एंटी रैगिंग के नाम पे कोई कानून लाए हैं, ना हमारी प्रदेश सरकार विधानसभा में लाई है, ना ही हमारी केंद्र सरकार लोकसभा में लाई है। मैंने अनूप जी को 2009 की नौ का जिक्र किया। मानस जी, आप मुझे बताइए, तमाम प्रयास किए गए, 2009 का मामला जब भी किसी के जहन में आता है वाकई आज भी लोग डर जाते हैं, बावजूद इसके शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर लगाम न लगना, क्या वजह? नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि कोई प्रयास किया गया है, कोई प्रयास नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा और उसके एवज में सरकारों ने अलग अलग अपने राज्यों में उसके लिए गाइडलाइन जारी की। अभी मनोज जी जिस रैगिंग की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं कि देश में उत्तर प्रदेश 2015 और 2016 यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश रैगिंग में नंबर वन आया था, 82% से ज़्यादा घटनाओं रैगिंग की घटनाओं में उछाल आया था उस वक्त, जबकि पूरे देश में उस वक्त 21% रैगिंग की घटनाएं बढ़ी थी उस वक्त। अब उत्तर प्रदेश में 82% तक आंकड़ा तक वृद्धि हुई थी और उसको लेकर के बड़ी छीछालेदर भी हुई थी सरकार की और कई घटनाएं ऐसी सामने आई जिसको लेकर के सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था। उसमें एक बिजनौर की भी घटना थी जिसमें एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे रैगिंग को लेकर के कभी भी कोई दृष्टिकोण सरकारों का रहा नहीं, क्योंकि वो उसको बहुत इतना उसको हल्के में लेते हैं इस तरह की घटनाओं को कि उनको लगता नहीं कि इसका भी कोई वजूद है, इस पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। होता क्या कि जब भी नया सेशन शुरू होता है एक सेल का गठन किया जाता है, वो भी आधा अधूरा होता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है, पनिशमेंट्स के नाम पर कुछ होता नहीं है। देखिए, जब रैगिंग की जो परम्परा थी वो परम्परा ये थी पुराने समय में, जब नया बैच आता था तो सीनियर से इंट्रोडक्शन के लिए कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ जिस चीज़ में हुनरमंद है पढ़ाई के अलावा उसको लेकर के वो लोग सीनियर छात्रों से एक इंट्रैक्शन होता था, बड़ा ही साफ सुथरा और फ्रेंडली माहौल होता था ताकि जो नया बैच आया है वो अपने सीनियर्स को समझ लें और सीनियर्स जो हैं वो अपने जूनियर्स को समझ लें कि वो कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने का पूरा जजमेंट अगर पढ़ा जाए तो उसमें उन्होंने आखिरी में क्या कहा कि अत्यधिक शराब का सेवन शिक्षण संस्थानों के भीतर अत्यधिक शराब का सेवन छात्रों को हिंसक बना रहा है। यानी ये बात ढकी छुपी नहीं है कि छात्रावासों में शिक्षण संस्थानों में
किस तरीके से जो जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर शराब पीते और शराब पीने के बाद अनाप शनाप हरकतें करते, उसी में लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद रैगिंग के नाम पर वहाँ पर गुंडागर्दी होती है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर सरकारें काम करें, और जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा कि एक एक्ट होना चाहिए और उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए, आप हम नहीं करें कि उनको पकड़ के जेल भेज दीजिए, लेकिन कम से कम उनको ये तो भय होना चाहिए ना कि उनका करियर नष्ट हो सकता है उनकी किसी भी हरकत से। तो इस तरह की चीजें जो कि जब नहीं हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है, तो जाहिर सी बात इस तरह की घटनाएं सामने बढ़ेंगी। ये तो दृढ़ इच्छा शक्ति का सवाल है, इस पर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होनी चाहिए लोगों के बीच और उसी से ये कानून बनाया जा सकता है। यूजीसी की गाइडलाइन में एफआईआर का प्रावधान है, लेकिन सर है सजा के क्या, चार साल की सजा भी हुई थी 2009 में जब हम अमन वाले के केस की बात कर रहे हैं। वो एक दो मिसालें हैं उसकी, वो बहुत 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 बड़ा मामला था और वो दरअसल वो रैगिंग उसको आप आत्महत्या नहीं कह सकते, वो मर्डर था और मर्डर के मामले को और इस तरीके से सामान्य रैगिंग की घटनाओं से नहीं जोड़ सकते, जबकि रैगिंग के तमाम मामलों में लोग विवश होकर के अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को वापस बुला लेते हैं, कहीं कपर अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ जाता है। पीके श्रीवास्तव, आप मुझे बताइए, अभिभावक डरे हुए हैं और जो शिक्षक वहां पर हैं वो भी छात्रों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक पर्ची लिखवा ली गई कि हमने जो भी बाल कटवाए अपनी मर्जी से कटाए, हमारे साथ कोई रैगिंग नहीं हुई। इस तरीके का एक मानसिक प्रताड़ना बच्चों को वहां पर देना और ऐसी घटनाओं पर रोक न लगना, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, किसकी लापरवाही? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो मैनेजमेंट है और सरकारें हैं, जब तक पूर्ण रूप से इसमें सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगी और इनमें डर भय नहीं होगा कि हम ऐसा काम करेंगे तो हम वहां पर एक एक्शन होगा, और अभिभावकों का शोषण और छात्रों का शोषण तो कई वर्षों से चला होता रहा है, कई नियम बने हैं, कानून बने हुए हैं, लेकिन जो शिक्षा मैनेजमेंट है वो उनमें एक कार्य करने की जो उनका जो दिशा है और जो उनका मन है, माइंड है, वो कंसंट्रेट दूसरी जगह पे है। मतलब उनका जो होता है कि केवल हमको मनी कलेक्ट करना है, मतलब दूसरी बैचेस खोलनी है, उनका ध्यान नहीं होता कि बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे को स्कूल कॉलेज में रैंकिंग हो रही नहीं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इनका उन पर माइंड कंसर्न, उनका प्लान मनी हम कैसे कलेक्ट करें। उस तौर पर सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, इनमें जब तक सब कानून नहीं बनेगा इनमें डर भय नहीं होगा। जब तक कॉलेजों में कॉलेज किसके हैं सर, कॉलेज उन्हीं नेताओं राजनेताओं स्कूल कॉलेज हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं होती है, उनमें डर भय है ही नहीं। नहीं, सरकारी कॉलेज भी ना सर, आप ये जो मामला है सरकारी मेडिकल कॉलेज का आया, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक समझौता इनकी, देखिए अभी दिल्ली में भी रियान मैटर मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, देखिए इतना बड़ा कांड हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? क्योंकि वो नेताओं के स्कूल कॉलेज हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक किसी समझौता समाप्त नहीं किया गया किसी भी एक्शन पे। मैडम हरी जी, क्या मान लिया जाए कि कार्रवाई में लापरवाही होने की वजह से या फिर कहीं ना कहीं एक कड़े एक्शन नहीं लिए जाते उसकी वजह से ये घटनाएं पनप रही हैं? नहीं लक्ष्मी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानस जी की कई बातों से सहमत हूं, परंतु आप देखिए कि ये जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये जो जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी बता रहे थे कि उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि शराब पीने की और ये सब प्रवृत्तियां बहुत बड़ी हैं, तो कई समस्याएं, एक जो एक सामाजिक समस्याएं के कारण भी पैदा हुई हैं। और जहां तक आप इसकी एंटी रैगिंग को लेकर के कह रहे हैं, अभी पिछले साल ही चार बच्चों को उनके गार्जियन को बुला करके एफिडेविट ले करके और उनको बाहर कर दिया गया था, जिनका नाम रैगिंग में आया था। तो ऐसा नहीं कि एंटी रैगिंग जो इस मामले को तो प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको पता होगा बच्चों के मुंह बंद कराए जा रहे हैं, प्रशासन जब वहां टीम बात करने पहुंच रही है तो बच्चों से मना कराया जा रहा है। मैं लक्ष्मी जी जवाब दे रहा हूँ उस बात का जी। देखिए, जैसा कि ये जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो लोगों के, आज कोई बात कोई दबा नहीं सकता, प्रशासन जबरदस्ती किसी को किसी, और कॉलेज में 10-5 बच्चे नहीं होंगे या उस फर्स्ट ईयर में 10-5 बच्चे नहीं होंगे, कम से कम 100-150 बच्चे होंगे जी। तो 150 बच्चों को कोई दबा नहीं सकता। और सर, आज तो सोशल मीडिया इतनी फास्ट है कि तत्काल अगर इस तरह कोई बात हो रही होगी, हरीश जी, 150 बच्चों का मुंह ना खुलना
एक सेकंड सर, सोशल मीडिया पे आ जाएगा। अरे सर, ये कोई तुगल की फरमान है क्या कि अगर कोई बच्चा जाता है तो वो फिर मुड़ा के आएगा कि तीसरे बटन पर निगाह रखेगा? कौन सा फरमान है सर? मैं लक्ष्मी जी मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ तीन लोगों की कमेटी जा रही उसकी जांच के लिए, आप अपने भी किसी संवाददाता को भेज दीजिए। ये बात कहना जबरिया एक वो बनाना, इशू बनाना कि वहाँ बच्चों को दबाया जा रहा, बच्चों का मुंह बंद कराया जा रहा, ये बिल्कुल गलत है। आज बच्चे को मुंह बंद कराया जा रहा है और आप ये बात बता रहे थे कि कड़ी कार्रवाई नहीं होती। आज के माहौल की तो स्थिति ये है कि अभी बिजनौर की एक कॉलेज की घटना भी कल या परसों में पढ़ रहा था कि एक प्रिंसिपल ने एक बच्चे को जो लड़ाई झगड़ा करता था उसको निकाल दिया क्लास से, उसने उसको गोली मार दी जाकर के उसके कक्ष में। तो आज का जो सामाजिक माहौल है कहीं कहीं ये भी उत्तरदायी है। डरा रहे आप? हम सबको सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार अपनी अपनी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से ठीक है। हरीश जी, दो मिनट की जरा मानसी की बात कीजिए। कर्तव्य में सरकार की तरफ से कहीं कोई शिथिलता नहीं है, ठीक है ना? ऐसे किसी मामले में कोई देने वाली जो भी हरीश जी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ। हरीश जी, जब आप मनमानी फीस पर नकेल रखने के लिए आप कानून ला सकते हैं, जब आप नकल विरोधी अध्यादेश ला करके नकल विहीन परीक्षाओं के लिए आप काम कर सकते हैं, तो आप जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें भयमुक्त वातावरण क्यों नहीं दे पा रहे? आखिर क्यों नहीं महसूस होता है सरकार को कि ये भी एक मुद्दा और उस पर भी काम किया जाना चाहिए? नहीं मानस जी, ऐसा है कि सरकार सभी मुद्दों पे जो कहीं किसी तरह की समस्याएं हैं उन सब पे काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानस जी आपने देखा होगा कि रैगिंग को अगर आप 10-5 साल पहले के उसमें जाएं तो रैगिंग की कितनी घटनाएं अब प्रकाश में आती थी। अब ये इस घटना में भी जो जानकारी आई है, केवल सिर का बाल छोटा कराना इसको रैगिंग मान लेना, सर मुड़वाया गया है, सारी जानकारी पूरी नहीं है आपको। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी छोटे से ब्रेक के लिए। वहां पर बाल छोटे नहीं कराए गए हैं, सर मुड़वा दिया गया बच्चों को, तीसरे बटन पर निगाहें रखनी है, छात्राएं जो पहुंच रही हैं उनको तेल डालकर अपने बालों में जूड़ा बांध के आना है, ये कैसा फरमान हम देख रहे हैं? सालों बीत गए लेकिन बावजूद इसके आखिर ऐसी घटनाओं पर रोक क्यों नहीं? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप अखाड़ा देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अनूप पटेल, एक बड़ा सवाल ये कि 2007 का जब हम जिक्र कर रहे थे, अभी भी विनोद जी ने भी कहा केरल यूनिवर्सिटी में जो रैगिंग का मामला सामने आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राघवन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। उसमें साफ ये भी निर्देश था कि अगर कोई भी छात्र शिकायत करता है रैगिंग की तो FIR तुरंत दर्ज होगी। क्या उस रिपोर्ट के बारे में किसी भी सरकार ने अब तक सोचा? लक्ष्मी जी, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब UPA 2 की सरकार थी तो रैगिंग के खिलाफ जो है कड़े निर्देश जारी किए गए थे और UGC का जो एंटी रैगिंग गाइडलाइन है उसे सख्ती से हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, पालन किया गया था। एक 2017 की रिपोर्ट है जिसमें से ये रिपोर्ट बता दी कि 80% स्टूडेंट्स दोज हु फेस्ड रैगिंग, वो लोग जो है हायर अथॉरिटी को नहीं बताए। तो सर मैंने कहा ना कि कोई प्रावधान तो ऐसा बनाइए, उनको लगता है कि वहीं पढ़ना है, शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई होने वाली है नहीं। एटमॉस्फियर इस तरीके का नहीं क्रिएट होने वाली है, नहीं कोई कड़े नियम आपने बनाए नहीं है। और ये जो लगता है भविष्य चौपट हो जाएगा। ये अभी जो दो इंस्टीट्यूशन में हुआ, आप ये देखिए केसेस जो है निकल के आए और इसके बाद जो है रिटर्न में उनसे लिखे जो पीड़ित बच्चे हैं, सफर्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिखा कि हमारे साथ जो है कोई रैगिंग नहीं हुई। पहले इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है होना चाहिए कि देखिए कहीं ना कहीं से सरकार की तो अपनी ड्यूटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके का वहां पे इन्वायरमेंट एंश्योर करे कि बच्चों के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं होती है। सरकार तो अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रही है। कहां निभा रही है? आप ड्यूटी निभाइए, हम तो निभा ही रहे हैं। ये जो कांग्रेस और समाजवादी, आपको बता दें हरीश जी, पिछले 3 साल में जो है 70% जो है रैगिंग के केसेस बढ़े हैं। नहीं, आपके कार्यकाल में ये तो
ये आपकी पास ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अभी अभी आईना अभी समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि 3 साल के अंदर 70% जो है रैगिंग के केस बढ़े हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी ने करिए, 4 साल से आपकी सरकार है। मैं तो आपसे कहता हूँ आप जाके कॉलेज में छात्रों से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन डील करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को डील कौन करेगा, सरकार डील करेगी कि विपक्ष डील करेगा। जबरिया एक माहौल, ये जो जबरिया एक माहौल को खराब, नहीं जबरिया की बात नहीं है, आप ये बताइए कि कौन उसे डील करेगा। ये योगी सरकार में सफल होने वाला नहीं है, हो ही रहा है आपकी उसमें। कांग्रेस तो जब से सत्ता से दूर हुई है, अब कुछ भी हो आप कांग्रेस में कहेंगे ये उनका देन है। 11 साल आपको केंद्र में होने जा रहा है, 17 महीने की योगी सरकार को होने जा रहा है, इसके बावजूद भी सारी चीजें आप कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करेंगे तो उससे होगा क्या? चलिए ठीक है सॉल्यूशन पटेल, मनोज जी सवाल ले लिया, हरीश जी छात्र नेता रहे और समाजवादी पार्टी में भी है, समय समाजवादी पार्टी का पक्ष रहे, नहीं वो एज ए छात्र नेता उनसे समझ लेते हैं, एज ए छात्र नेता उनसे पूछ लेते हैं कि छात्र नेता के तौर पर चूंकि उनका भी कैंपस में ठीक ठाक अनुभव रहा है, मनोज जी कैसे रोक सकते हैं आप? कोई तो प्लान बनाए, कोई प्लानिंग हो सकती है ना, स्टडी ऐसी बनाई जा सकती है जिससे कि जो कैंपस का माहौल है वो साफ सुथरा रहे, शुद्ध रहे, पढ़ाई लिखाई का माहौल बने। देखिए भावनात्मक रूप से इस बात को मैं जरूर इस चैनल पे कहूंगा कि एक जब विचारधारा बदलती है सत्ता के रूप में और कोई दूसरी सत्ता आती है, तो जो वैचारिक रूप से तमाम सारी चीज़ें हैं, मैं रैगिंग को निगेटिविटी नहीं मानता था जो, लेकिन अब उसको लोगों ने निगेटिविटी बना दिया वो अलग बात है, लेकिन वो तो इंट्रोडक्शन था जैसा आपने भी उसको बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार की तरफ से किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी सरकार सेंट्रल में कांग्रेस जो थी उसकी सरकार सब नकारा थी, उन्होंने कुछ ना किया, तो इसीलिए छात्र संघ को समाप्त करना भी क्या एक बड़ी वजह हो सकती है, किस तरीके से उसका सलूशन नहीं बता रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, इससे एक माहौल वो खराब हुआ कि लोगों में जो कनेक्टिविटी थी चुनाव लड़ने के लिए राजनेताओं का ग्रुप में सबको दोस्ताना माहौल बनाना, चूंकि वहां धनबल का इस्तेमाल नहीं हो पाता था तो वहां मित्रता में चुनाव होते थे और इस वजह से एक अच्छा माहौल बन जाता था विश्वविद्यालय में। लेकिन चूंकि छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, तमाम सारे प्रदेशों में नहीं हो रहे, और जहां हो भी रहे हैं वहां किस तरह कराया जा रहा है ये भी सबको पता है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि मौजूदा समय में जब छात्रों की रैगिंग सरकार लेने लगे तब आप क्या कहेंगे, कैसे किस तरीके कैसे से कह रहे हैं आप बताइए। काला झंडा दिखाना हमारा अधिकार है, किसी राजनेता को, चीफ मिनिस्टर को, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार है, लेकिन वही अगर मुख्यमंत्री उन बच्चों को 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए जेल भेज दे, उन बच्चों को, उनको देशद्रोही साबित करने पर उतर आए जो काला झंडा अपने स्कूल के किसी फंड के लिए दिखा रहे हो, तो आप सोचिए कि वहां दूसरी मानसिकता जो होगी स्कूल में, जो मौजूदा सरकार को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप कहां से वो किस तरीके से। देखिए लक्ष्मी जी बात समझिएगा, मैं इसको सिकोड़ना नहीं चाहता हूं इस मुद्दे को, चाहे हूं तो मैं इस डिबेट में बैठ के बहुत सूक्ष्मता से रैगिंग पे बात कर सकता हूं, लेकिन इतना विस्तृत आप करेंगे वो बात आ गई। इलाहाबाद की घटना, बनारस की घटना, बनारस की घटना सब कुछ सामने है, लेकिन हरीश जी उस मानसिकता, उस विचारधारा के द्वारा छात्रों का हनन किया जा रहा है, और इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, योगी जी ने और अमित शाह जी ने किस तरह से छात्रों को दमन किया उसी विचारधारा की परिणति है कि किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा, तमाम सारी चीजों को दबाया जा रहा है, सामने नहीं लेके आया जा रहा है। डीएम साहब का आप बयान सुन रहे हैं किस तरह से वो आनाकानी कर रहे हैं, ये तो चैनल का धन्यवाद है, भारत समाचार का धन्यवाद है कि इस घटना को भी हम सामने लेके आए, ने पूरी तरीके से समाज में पीके श्रीवास्तव जी से बात चीजों को दबा के इस तरह की राजनीति की जा रही है। पीके श्रीवास्तव जी का पक्ष आ जाए, पीके श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि काला झंडा दिखाना तो एक अधिकार था छात्रों का, और स्टूडेंट दिखाते थे, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में काला झंडा दिखाया गया था, पुलिस ने पकड़ लिया था, उसके बाद छोड़ दिया गया था। क्या लगता है कि सरकार और छात्रों के बीच भी एक दूरी बढ़ती चली जा रही है, इसमें ये भी एक परिणाम हो सकता है? मानस जी हरीश जी कुछ कह रहे हैं आप? मानस जी काला झंडा दिखाना तो ठीक है, अधिकार है,
लेकिन कार पे ऊपर कूद जा रहा है, ये छात्रों का काला झंडा दिखाने के लिए जांच नहीं किए थे क्या? काला झंडा दिखाने के लिए क्या उसको परेड की तरह चलना पड़ेगा लेफ्ट राइट तब काला झंडा दिखाने के लिए परमिशन देंगे? और आपकी पुलिस क्या कर रही है, उन छात्राओं पे लाठीचार्ज करेगी? बताते हैं कि काला झंडा नहीं दिखा सकते, गाड़ी के सामने नहीं आ सकते। ठीक है मनोज जी, बात करिए, घर से बैठ के काला झंडा दिखा क्या? ठीक है, पे आ गया। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए वो उसी से जुड़ा हुआ है, आप उस चीज को छोटा मत करिए। रैगिंग वो भी रैगिंग है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को और जो शिक्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जो पुलिस प्रशासन है और हमारे जिला के जो भी लोग हैं उनमें सख्त इसमें एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं पे जो शिक्षण संस्था, मैंने आलफी जी आपको पहले ही बताया था और हमने कई बार चैनलों पे बोला कि जो शिक्षण संस्थाएं हिंदुस्तान की हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेताओं के हैं, चाहे एडेड स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मुख्य कारण ये है। अभी तक मैंने किसी भी स्कूल कॉलेज की, हरी जी मैं आपको बताना चाहूँगा और पिछली तीन सरकारों को बताना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल की समस्या नहीं समाप्त की किसी भी एक्शन पर, क्योंकि शिक्षा माफिया हैं जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो और चाहे मेडिकल कॉलेज हो और चाहे हाई स्कूल सीबीएसई आईसी स्कूल हो चाहे एडेड स्कूल हो, कोई मुख्यमंत्री आता है 50 करोड़ मुख्यमंत्री कोष से देता है, और कोई आता है 10 करोड़ रुपए देता है, जैसे उसके उसके बाग में स्कूल है, फिर वो कहता है मेरे बाग में स्कूल है। ठीक है, जब तक ये व्यवस्था नहीं चेंज की आएगी, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, हरी जी। ठीक, चाहे बसपा सरकार रही हो और चाहे सपा सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, जब तक से कार्रवाई नहीं की जाएगी शिक्षा संस्थाओं पे, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है, हरी जी। किसी भी स्कूल की संपत्ता समाप्त नहीं की गई श्रीवास्तव जी, 10 साल के अंदर। शांत हो जाए पीके श्रीवास्तव जी, हरी जी एक देखिए बड़ा हरी जी दीजिए ना, समाप्त करवाते हैं। ठीक ठीक हरी जी, ठीक है, मैं आप कहाँ मिलेंगे, मैं आपको स्कूल की शिकायत दूंगा, प्लीज 10 साल से सोशल वर्क रखूंगा हिंदुस्तान के अंदर। शांत दीजिए, मैं आपको लेटर पैड में कार्रवाई दूंगा, 5 स्कूलों का नाम दूंगा। ठीक है, दे दीजिएगा। क्या स्कूल में हो रहा है? अलग से दे दीजिएगा, अलग से दे दीजिएगा। शिक्षा माफिया, शिक्षा प्रबंधक, पीके श्रीवास्तव जी, पीके श्रीवास्तव जी, दस हत्याएं किए हुए, पीके श्रीवास्तव जी सदस्य बने हुए, पीके श्रीवास्तव जी अलग से बने हुए, अरे अलग से दे दीजिएगा। हरीश जी एक देखिए बड़ा अहम सवाल यह है कि जब पहले छात्र संघ हुआ करते थे, कहां से कार्रवाई होगी? तो सरकार के बीच और छात्र संघों का इंटरेक्शन होता था, आपस में समस्याएं एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे और सरकार भी उनको संरक्षण देती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। आपको लगता नहीं है क्या कि सरकार के बीच में और छात्रों के बीच में एक दूरी ऐसी बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से ना वो अपनी बात कह पाते और शिक्षण संस्थाओं पर भी सरकार का कंट्रोल खत्म होता चला जा रहा है? कंट्रोल है ही नहीं मानस जी। हरी जी, नहीं मानस जी जिस तरह के शिक्षण संस्थाओं के माहौल हुए थे, मैं सभी जो छात्र राजनीति का के पक्ष में हूँ, लेकिन जो एक गाइडलाइन एक उसके कमीशन बना था, लिंगदो कमेटी की सिफारिश थी छात्र संघों के चुनाव होने चाहिए और छात्र जी और क्योंकि जो छात्र संघों का ठीक है जी, विनोद शुक्ला जी आप मुझे बताइए किस तरीके से इस पर हम रोक लगा सकते हैं? ठीक है जी, एक सेकंड, और पूरी राजनीति वही चलाते थे। ठीक है जी श्रीवास्तव, विनोद जी रैगिंग को रोकने के लिए सबसे सटीक और सबसे कम प्रयास ये है कि सिर्फ कॉलेज को जिम्मेदार बनाया जाए। अब रैगिंग की घटनाएं केवल ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों तक सीमित रह गई हैं। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अगर रैगिंग की घटना होती है तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल सीधे तरह से दोषी होना चाहिए। हरीश जी उम्मीद करते हैं कि इस कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पैसा जुड़ने के लिए, समय इतना ही था सर, माफी चाहूंगी, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक बड़ा सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय हो और कड़ी कार्रवाई हो। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।